यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बच्चों हो जाइए तैयार, मेहनत करिए, लगातार बने रहिए और हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। और देखो, सफल लोगों में और असफल लोगों में बस एक ही अंतर होता है और वो है रेगुलरिटी। लगातार बने रहिए। मैं हूं अरुण सिंह, हम पढ़ रहे हैं NCERT ज्योग्राफी और हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिना देरी से। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य भी होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमेशा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। आओ कुछ करके देखें, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक रबर की पुरानी गेंद लें, उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें, देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है बच्चों? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल मैप के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल मैप में देखो, जो नेचुरल कंटेंट, नेचुरल जो चीजें बनी हुई है, उन चीजों के बारे में हम सामान्य तौर पर दर्शाते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार होता है, राजनीतिक मानचित्र, उसमें हम इंसानों के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, जैसे राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए, इनको जो सीमाओं को बांटा हुआ है, उन चीजों की जब हम बातें करते हैं तो हम सामान्य तौर पर राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन कर रहे होते हैं, यानी पॉलिटिकल मैप। तो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इस देखते हैं। तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये आपको याद रखने चाहिए। तो वो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए किसी क्षेत्र के सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अब हम कोई पॉलिटिकल या फिजिकल मैप लेके बैठ जाएं तो सड़कें ना तो सीमाओं में मिलेंगी और ना ही आपके फिजिकल मैप में मिल सकती हैं, भौतिक मानचित्र में भी नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर थीमेटिक मानचित्र देना होगा, जहाँ पे हम केवल और केवल सड़कों के बारे में बात कर सकें। फिर
उसके अलावा क्या है? उसके अलावा मान लीजिए आपको केवल और केवल आपकी स्कूलों की बात करनी है, हॉस्पिटल्स की बात करनी है, या फिर आपको किसी ट्रेवलिंग के लिए आपको कोई मैप तैयार करवाना है, मानचित्र तैयार करवाना है, तो वहाँ पर्यटन स्थल की बात हम करेंगे तो वहाँ केवल पर्यटन स्थल को थीमेटिक मानचित्र के तौर पे देखा जाता है। वहाँ पे हमारी थीम क्या है, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब किसी भी मैप के मामले में दूरी, दिशा और प्रतीक ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो मान लीजिए अगर आपको 5 किलोमीटर का एरिया दर्शाना है और आपने क्या किया, आप 5 किलोमीटर का कागज तो बना नहीं सकते, आपको छोटा सा ही कागज बनाना है, तो उसके अनुपात में आपको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से आपने 5 किलोमीटर का एरिया दिखाया, 2 सेंटीमीटर से आपने 5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का दिखाया, तो हम इस तरीके से एक अनुपात में चीजों को कागज के ऊपर बनाते हैं। दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामान्य तौर पे हम दिशा कैसे लेते हैं मैप में, सामान्य तौर पे ऐसा करते हैं कि आपके ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, सामान्य तौर पे ऐसा किया जाता है, बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ऐसा ही किया जाए। तो वहां पर दिशाओं का भी महत्वपूर्ण अपना स्थान है। प्रतीक की बात करें तो सारी चीजें लाइनों में या लिखकर तो समझाई नहीं जा सकती वहां पर, और सारी चीज लिख दी जाएंगी तो बहुत ज्यादा जो मैप है वो आपको बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, बहुत समझने में बड़ी परेशानी होगी, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो ऐसी स्थिति में हर चीज को केवल और केवल लिखकर या बनाकर नहीं समझाया जा सकता, वहां क्या किया जाएगा, वहां प्रतीकों का यूज करेंगे। तो प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के बारे में हम, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलिए तो बात करें दूरी की। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, तो आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। और ये कब बनाया जाएगा? जब बनाया जाएगा जब हम बड़े क्षेत्रफल के मैपों को तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की जो दूरी है उसको मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। और बड़े पैमाने में हम क्या है, छोटे क्षेत्रफल वाले जगह को यूज करते हैं। जब हम छोटे किसी छोटे क्षेत्रफल का हमें कोई मैप बनाना है तो हमें पैमाना सामान्य तौर पर बड़ा लेना पड़ता है ना? तो आपके पास कैसा हो गया, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप समझेंगे तो इससे आपकी बहुत सारी जो कंसेप्ट हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं इन चीजों को। अब देखिए यहाँ पे ये किस टाइप का मानचित्र है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे खेल का मैदान है ना, यहाँ पे पेड़ भी है, सामुदायिक केंद्र है,
दुकानें, पहली बात तो ये किस टाइप का है, ये आपके छोटे पैमाने का मानचित्र है या बड़े पैमाने का मानचित्र है। इसको कैसे पता करें, तो आपको पता है कि जब ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छोटा सा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलोनी का हमने मैप देख रहे हैं। जब कॉलोनी का मैप देख रहे हैं तो ये पृथ्वी के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, या कहें किसी देश के मैप के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो ये कैसा हो गया, ये बड़े पैमाने का माप हो गया, बड़े पैमाने का मानचित्र है ये। फिर दूसरी बात करें तो इसमें कहा गया था कि बड़े पैमाने के मानचित्र में ज्यादा जानकारी हमें मिलती है बजाय कि छोटे पैमाने के। अब छोटे पैमाने में तो हम हर गली में होने वाली दुकानों के बारे में तो नहीं बता सकते, कुएं के बारे में तो नहीं बता सकते, हर जगह छोटे छोटे घर के, ये किसका घर है, ये किसका घर है, ऐसा तो नहीं बता सकते। ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये क्या है, बड़े पैमाने का मानचित्र है, और बड़े पैमाने का मानचित्र होने की वजह से यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर बात करें दिशा की, दूरी के बाद जो दूसरा अहम फैक्टर है वो है दिशा किसी भी मानचित्र का। और ये सामान्य तौर पर हमने बात करी तो हम सामान्य तौर पर किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से हम अपने मैप को तैयार करते हैं कि कागज पर ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, और आपके इस साइड में जो राइट साइड में है पूर्व दिशा, और लेफ्ट साइड में क्या है पश्चिम दिशा हो। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, जो क्या करता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, जो प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। ये क्या है आपके, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये क्या कहेंगे, प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं जो हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम जो है आपकी, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेलों के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, इन चीजों के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम दिक सूचक की सहायता से। दिक सूचक क्या है, जो आपका बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कंपास के नाम से जानते हैं, कंपास के नाम से जानते हैं, जिससे आप किसी भी जगह की दिशा का पता करते हैं। और आजकल तो आपके मोबाइलों में भी कंपास हुआ करता है ना, तो आपको दिशा के बारे में बताता है। तो हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चलिए अब बात करें तीसरे फैक्टर की, यानी प्रतीकों की। प्रतीकों की देखो, हमने पहला क्या किया, दूरी की, दूसरा क्या किया, दूसरा हमने दिशाओं के बारे में देखा, और तीसरा जो मानचित्र का अहम जो फैक्टर होता है वो क्या है, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब तो आप इन चिन्हों की सहायता से इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बारे में देखें, प्रतीक देखो तो सामान्य तौर पर हम जब कोई मैप देखते हैं तो हमें अक्सर इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं मैप के ऊपर। ये क्या दर्शाते हैं, तो ये आपका जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा दर्शाता है, ये आपके राज्य सीमा दर्शाता है, दोनों में क्या अंतर है,
ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ी सी मोटी लाइन है, जबकि ये कितनी है, ये इतनी मोटी लाइन नहीं है। और ये क्या है, ये डैश डैश है जो जिला स्तरीय जो सीमा है उसको दर्शा रहा है। सड़क को हम सामान्यतः लगातार लाइनों से दर्शा रहे हैं, तो कच्ची सड़क को डैश 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 करके दर्शा रहे हैं। रेलवे लाइन भी बहुत टाइप के होते हैं, तो बड़ी लाइन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, तो मीटर लाइन को हम इस तरीके से, और इसी तरीके से क्या है, रेलवे स्टेशन को हम इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रतीक हैं इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं। अब देखो, अब ये मंदिर है, तो मंदिर के लिए अब अलग से मंदिर शब्द का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत सारी जगहों पे मंदिर की फोटो लगाना, या फिर बिल्कुल एडिटेज बनाना, वो संभव नहीं हो पाता। तो हम ऐसी जगह पे इस टाइप के सिंबल्स को बना देंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये आपका मस्जिद है, ये आपकी छतरी है। तो इस तरीके से हम चीजों के बारे में पता करते हैं। आगे देखें, मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए भी गए हैं। 4.3 में जो हम अभी देख रहे थे कि रेलवे लाइन वगैरह के बारे में, तो ये चिन्ह क्या है, ये आपके रूट प्रतीक हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह सभी मैप्स में सामान्य तौर पर समान रखे जाते हैं, ताकि कोई अगर भाषा समझ भी नहीं पाए तो भी उन चिन्हों को आसानी से पहचान के ये डिसाइड कर सके कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जलाशयों के लिए किया जाता है। भूरे रंग का पर्वतों के लिए किया जाता है। पीला रंग पठारों के लिए किया जाता है। और हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। तो ये एक ऐसे कलर हैं, या फिर ऐसे प्रतीक हैं, जो सामान्य तौर पे पूरे विश्व में एक जैसे ही यूज किए जाते हैं। आगे देखें, रेखा चित्र की बात करते हैं। अभी तक आपने हमने क्या बात करी थी, मानचित्र के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी, मानचित्र के बारे में बात करी थी। और अब हम बात करेंगे रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, और इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम जो बात है वो क्या है, वो है कि इसमें पैमाना नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, इसमें आरेख को बिना पैमाने के खींचा जाता है। मतलब अगर मान लो आपका दोस्त का घर, बोलते हैं कि भैया आप ऐसे जाना, फिर राइट साइड में ऐसे मुड़ना, और फिर आगे दो घर छोड़ के यहाँ पे मेरा घर होगा, तो यहाँ पहुंच जाना। तो बोलता है ठीक है, लेकिन अब वो बोले कि ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से हम दर्शाया, 3 सेंटीमीटर से, मतलब यहाँ पे 3 किलोमीटर चलना है, यहाँ पे 4 किलोमीटर चलना है, और फिर आपका 200 मीटर चलना है तो आपका घर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी बताया, इसमें बताया कि ऐसे जाना ऐसे जाना और यहाँ पहुंच जाना। तो इसमें क्या किया, इसमें जस्ट एक खाका तैयार करके दे दिया, एक रेखा चित्र तैयार करके दे दिया, एक सीधा सीधा कि भाई यहाँ से चलना, इस साइड जाना, राइट साइड जाना, और 200 मतलब थोड़ा सा आगे चलोगे दो घर छोड़ के तो आपको मेरा घर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने किसकी कमी रखी, इसमें हमने पैमाना प्रॉपर नहीं बनाया, हमने बस ऐसे ही रेखा चित्र खींच के रख दिया। और इसी को क्या कहेंगे, रेखा चित्र मानचित्र, यानी ऐसा मानचित्र जो बिना पैमाने के बनाया जाए उसको क्या कहेंगे, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया, बिना पैमाने के बनाया जाने वाला मानचित्र क्या है, आपका रेखा चित्र है। फिर बात करें खाके की। खाका क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र, रेखा चित्र खाका कहा जाता है। अब देखो, पहली बात तो ये कि
एक तो ये बड़े पैमाने का, बड़े पैमाने का क्यों? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे खींचा गया है, दूसरा क्या कहा जा रहा है कि आपका रेखा चित्र खींचा गया है। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, कैसे? क्योंकि रेखा चित्र तो बिना पैमाने के खींचा जाता है और ये क्या कहा जा रहा है, बड़े पैमाने पे खींचा गया है। तो एक्चुअल में हम इसको बड़े पैमाने का इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें, मान लीजिए हमें गांव का एक छोटा सा चित्र बनाना है, एक कॉलोनी के बारे में बताना है, तो कॉलोनी के बारे में जब हम बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चित्र, यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है, तुम इस साइड से जाना तो यहाँ पे तीसरे घर छोड़ के यहाँ पर एक पेड़ दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या है, अब हमने केवल रेखाओं का यूज नहीं किया, हमने किसी पर्टिकुलर रास्ते के बारे में जानकारी नहीं दी, बल्कि हमने एक पूरे क्षेत्र को ले लिया। और वो क्षेत्र चाहे छोटा है लेकिन हमने एक पूरे क्षेत्र को ले लिया और बिना पैमाने के। एक्चुअल में यहाँ हमने लिखा कि बड़े पैमाने पे, लेकिन हम यहाँ पर भी कोई विशेष पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र का एक खाका तैयार कर देते हैं, मतलब एक छोटा सा पेज पे एक डायग्राम बना देते हैं, तो उसका कि उसी को हम क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। तो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा गया जाता है। तो खाके के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने किसी कॉलोनी का ही मानचित्र बनाए, हो सकता है कि आपको अपने घर का ही पूरा रेखा चित्र बनाना हो, तो वहां पे आप खाका तैयार करते हैं कि यहाँ मैं, यहाँ मेरा ये रूम होगा, यहाँ सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये ऐसे जो हम चित्र बनाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो आपके कितने टाइप हो गए, एक तो आपका सामान्य मानचित्र हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका रेखा चित्र मानचित्र हो गया, और तीसरा आपका खाका हो गया। ठीक है, आपका कौन कौन से हो गए, एक तो मानचित्र हो गया, दूसरा आपका रेखा चित्र हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, खाका हो गया। और इन तीनों का जो सबसे अहम, मतलब इन तीनों के फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो दूरी हो गई जिसको हम पैमाने की भाषा में बोल सकते हैं कि पैमाना, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपकी दिशा हो गई है ना, और तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपके प्रतीक हो गए है ना। तो इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी, और इसी के साथ आपका बच्चों होता है ये चैप्टर समाप्त। आगे बात करते हैं हम अभ्यासों की, तो अभ्यास में हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं, तो आपको अब तक तो याद हो गया होगा, मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं, आपका दूरी, दूसरा आपका प्रतीक, और तीसरा आपका क्या है, दिशा हो गई है ना। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं, तो आपकी जो उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं, ये क्या हैं, आपकी प्रमुख दिग बिंदु हैं कहलाते हैं ना, उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व, ये चारों दिशाएं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र के पैमाने से हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर का एरिया बनाना है तो उसको हम कागज पे तो उकेर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें उसको एक छोटे पैमाने के तौर पे माना पड़ता है। जैसे 5 किलोमीटर का एक पूरा क्षेत्र बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 500 मीटर का 1 सेंटीमीटर के तौर पे रख लूंगा, तो मैं 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर में अपना कंप्लीट मानचित्र बना पाऊंगा। तो इसको क्या कहेंगे, पैमाना। आनुपातिक तौर पे जब हम दूरी को रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, मानचित्र का पैमाना कहलाता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें अधिक जानकारी हम दे सकते हैं, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है तो ज्यादा जानकारियां हम उसमें दे सकते हैं, इस वजह से ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज्यादा सहायक होते हैं। मानचित्र और खाके के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ, तो बच्चों एक चीज का तो पैमाने का अंतर होता है ना, सबसे अहम जो अंतर है वो क्या है, पैमाने का अंतर है। दूसरी जानकारियों का, किसमें, मानचित्र एक बड़े स्तर पे खींचा जाएगा जबकि खाका क्या है, छोटे स्तर पे, तो छोटी जगह के बारे में बताएगा,
तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ जानकारी सामान्य तौर पर उस अपेक्षाकृत ज्यादा दी जाती। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारियां प्रदान करता है? तो किस प्रकार का, हमने कौन कौन से देखे? एक तो आपका देखा सामान्य मानचित्र की बात करें, है ना। दूसरा, इसमें मानचित्रों के दो प्रकार हमने देखे, एक तो था छोटे पैमाने वाला और दूसरा था बड़े पैमाने वाला, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चलता था कि किसमें हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। तो हमने पढ़ा था कि बड़े पैमाने पे हमें ज्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़े पैमाने वाले मानचित्र। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो प्रतीक होते हैं वो सामान्य तौर पे थीमेटिक मानचित्रों के में ज्यादा यूज होते हैं। थीमेटिक मानचित्रों में हम इसको आसानी से पढ़ने में सहायक होते हैं। और जैसे जैसे जितने छोटे पैमाने के मानचित्र होते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो चीज को अलग अलग स्पष्ट करना मुश्किल होता चला जाएगा, है ना, छोटी छोटी चीजों को। तो वहां पर हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो भौतिक मानचित्र तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर हम नेचुरली बनी हुई चीजों को दर्शाते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं ये एक बहुत छोटा हिस्सा है। थीमेटिक मानचित्र की कहें तो हाँ ये संभव है, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर थीम लेकर चली जा रही है और वो क्या है, वृक्ष। तो इसलिए यही इसका सही आंसर है। और राजनीतिक मानचित्र भी ये नहीं होते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया जाता है? तो पर्वतों के लिए भूरा किया जाता है, मैदानों के लिए, अब घास के मैदान वगैरह हैं उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पे हरा रंग दर्शाते हैं, तो जलाशयों के लिए नीला रंग दर्शाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जलाशय। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। अब दिक सूचक मतलब आपका कंपास, और कंपास किसके लिए यूज किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए तो किया नहीं जाता, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। तो इसका सही आंसर भी यही है। पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए? प्रतीकों के लिए तो हो नहीं सकता, इसका इससे क्या लेना देना। रेखा चित्र में मानचित्र पैमाने की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? मानचित्र के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ आपका होता है ये चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।